हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 31 जुलाई 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा के और अपस्टॉक्स ही दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पावर ग्रिड में आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में 2.99% का पॉजिटिव मूव, 258.20 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वन डे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम देखने मिला है। कैंडल मीडियम साइज के नीचे के समय में छोटी सी, ऊपर के समय थोड़ी सी बड़ी विक देखने मिल रही है। आरएसए हमारा आ चुका है यहाँ पे अराउंड 64-65 के आसपास, जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइड नेगेटिव मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आरएसए इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मूव का एक्सपेक्टेड डाउनसाइड मूव जो है हमें इजीली 255 के आसपास देखने में, उसको भी क्रॉस करता मूवमेंट हमें जो है 252 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में यहाँ पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो हमने रिसेंटली स्टॉक एनालिसिस किया था, वहाँ पे आपको बताया था। अगर आपको जानना है जरूर उस वीडियो को देख ले। बाकी यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जो भी लेवल्स है उसको आप जरूर देख लेना। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या हमें, यानी कि मंडे के दिन क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस एसेज यहाँ पे मार्क्ड है। तो फिलहाल हमें कोई मार्किंग्स करने की जरूरत नहीं है, जूम करके मैं बात करता हूँ क्लोजिंग की। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजिंग की यहाँ पे मैं बात करूँ 258.25 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 258 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 260 का। याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक कल के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो एड किया है उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 256.20 का, उसके बाद क्या आता है 253.65 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 262.10 का, उसके बाद क्या 264.9 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस मंडे के लिए यहाँ पे कहने से मैं आपको बता दूँ स्टॉक में जो यहाँ पे मंडे के दिन अर्निंग्स जो रिलीज होने वाले तो थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटिलिटी रह सकती है। इंट्राडे में यहाँ पे मैं आपको जरूर रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पे कॉशियसली आप काम करें। बाकी या तो मैं तो कहूँ कि जिस दिन यहाँ पे अर्निंग जो रिलीज होना उस दिन यहाँ पे ट्रेड ही स्टॉक में ना करें तो बेहतर रहेगा। बाकी यहाँ पे मेरा ओपिनियन स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेस में मंडे के लिए चार्ट वाइज जो मैं कहूँ तो एक नेगेटिव मूव का है एक्सपेक्टेड 256.20 से लेकर 258 के रेंज में क्लोजिंग देखने मिल सके। बाकी गैप डाउन ओपनिंग से स्टॉक और भी जो नीचे आते हैं हमें देखने इजिली मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है क्या हो सकता है कल के दिन, यानी कि मंडे के दिन, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।